आज हम बनाने जा रहे हैं वेज बिरयानी। और वेज बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। आपके पास जो भी किचन में सब्ज़ियाँ उपलब्ध हो उसका इस्तेमाल हम वेज बिरयानी बनाने के लिए कर सकते हैं। इसे हम अपने देसी तरीके से बनाएंगे। पहले हमने तेल लिया है, तेल गर्म करके हम इसमें जीरा डालेंगे। उसके बाद प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट है ये, मिर्ची है, इसे हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद ये सारे मसाले हमने कटोरे में गीले करके भिगो करके रखे हैं। हल्दी, धनिया, आपका जो भी मसाला है, घर का जो मसाला हम यूज़ करते हैं, वो सारा मसाला हम इसमें डाल के सब्जियों के साथ फ्राई कर लेंगे। ये सारी सब्जियां हमने अपने स्वादानुसार नमक डालकर, थोड़ी सी दही डालकर ये फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे आधी सब्जी हम इसे बाहर निकाल देंगे और ये बची हुई आधी सब्जी के ऊपर हाफ बॉईल किए हुए चावल इस तरीके से बिछा देंगे। एक लेयर, एक पैर पूरी। उसके बाद फिर बची हुई आधी सब्जियां जो हमने निकाली थी इसे हम फिर से इसके ऊपर डाल देंगे। फिर आधी बची हुई जो हमारे चावल बचे हुए थे ये हम इसके ऊपर डाल के अपनी इच्छा अनुसार इसके ऊपर धनिया पत्ती, पुदीना, जो भी आपके पास है वो डालकर हम इसे एक सीटी धीमी आंच पे लगा देंगे और हमारी वेज बिरयानी तैयार है।